डिंडोरी सिटी कोतवाली क्षेत्र के धनवा सागर गांव में शनिवार को यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें घायल बाइक चालक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मां बेटी का इलाज जारी है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डिंडोरी बिछिया मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अपर कलेक्टर सहित पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर समझाइश दे रहे हैं। घटना स्थल से गुजर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्र मंत्री ओम प्रकाश दुर्वे ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीण बार बार बस को आग लगाने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश दुर्वे ने ग्रामीणों को समझाने की और थोड़ी देर बाद पुलिस के आते ही रवाना हो गए। घटना स्थल में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार शिवचरण वनवासी धनुआ सागर गांव में रिश्तेदारी में आया था। दोपहर करीब 12:30 बजे छाटा निवासी ज्ञानवती पति कमल सरैया और उसकी बेटी कविता को बाइक MP52 MD 4453 से घर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान समनापुर तरफ से आ रही बस क्रमांक MP49P0293 ने टक्कर मार दी। बाइक बस के नीचे आ गई, लगभग 100 मीटर घिसटती रही। बस जाकर बरगद के पेड़ की टहनी से फंस गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बस में सवार यात्री ने ड्राइवर सीट में बैठकर बस को पीछे किया। तब कहीं ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। धनुआ सागर में गांव में हुई बस और बाइक की टक्कर की खबर लगते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए। काफी देर तक एम्बुलेंस और पुलिस के न पहुँचने से ग्रामीण नाराज थे। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, SDOP आकांक्षा उपाध्याय, यातायात प्रभारी GS उइके, सिटी कोतवाली निरीक्षक CK सिरामे पहुंचे, ग्रामीणों को समझाते नजर आए।